back? Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain. The sorrows and... Hi guys, welcome back to my channel. स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में. एंड बाय द वे गाइस, अभी हम लोग हैं मतलब ट्रेन में, शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि जाने वाली है पूरी. एंड यहाँ पे अभी हम लोग हैं, और एक्चुअली हमारी जो ट्रेन है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, जिसका मतलब डिपार्चर टाइम था 2:15, बट वो 6 आवर्स लेट हो गई. एंड वो अभी 9 बजे अभी वो खुलेगी, तो अभी हम लोग बैठे 8:30 में ट्रेन आ गए. वैसे भी ट्रेन बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तो हम लोग अभी कब तक अभी पूरी पहुँच गए होते, बट हमें 6 आवर्स यहीं पे जो होता है ना रेस्ट और टाइप के रूम्स, वहाँ पे रहना पड़ा अभी हमें 6 आवर्स के लिए. तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, तो जैसा होता है वैसा आपको दिखाते हैं. एंड बाय द वे यहाँ पे देख लो, ट्रेन अभी तक निकली नहीं है, निकलेगी. एंड सारे फैमिली मेम्बर्स भी बैठे हुए हैं, बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा होगा, तो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए. जैसा होता है आपको दिखाते हैं. हेलो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं. एंड जो ट्रेन का जो लेग स्पेस है बहुत ही अच्छा है. एंड ये है न्यूज़पेपर की, और यहाँ पे मेरे पापा सभी हैं. पापा एक्चुअली छोड़ने आए थे हम लोग को, यहाँ पे आर्यन सभी को ही. एंड इस न्यूज़पेपर में किसी ने अपने सिग्नेचर्स किए हुए हैं. एंड गाइस, यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे कि कब ट्रेन खुलेगी, तो देख लीजिए पापा और मौसा जी वहाँ बाहर खड़े हुए हैं. एंड यहाँ पर लड्डू गोपाल जो कि बाहर के व्यू देख रहे हैं, जबकि ट्रेन अभी खुली नहीं है. तो गाइज, अभी ट्रेन खुली नहीं थी इसलिए मैं आ गई यहाँ पे वॉशरूम पे. एंड यहाँ का वॉशरूम भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, लाइक मिरर, बेसिन सभी क्लीन है. एंड यहाँ पे मतलब शावर की भी ऑप्शन था, यहाँ पे देखो आप शावर भी ले सकते हो, तो अच्छा था वॉशरूम. देख सकते हैं ये जो मतलब ट्रेन, इसकी जो मतलब टाइम था डिपार्चर का वो था 9 को, और अभी 10 बज गए हैं, 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक ये मतलब निकला नहीं है. तो हम लोग बैठे हैं यहीं पे, पता नहीं क्या हो रहा है गाइस. बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा है हम लोग का अभी तक, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है मतलब शताब्दी में. और हम लोग यहाँ पे स्टाफ से पूछ रहे, तो वो भी कुछ बता नहीं पा रहे कि कब निकलेगा या नहीं. वो पापा देख के आए कि इंजन भी नहीं लगाया, देखते हैं क्या किया जा सकता है. ऐसा होता है, आपको बताते हैं. फिर वाटर बॉटल दे दिया गया, बट तो गाइज अभी हो रहा है 10:19 एंड अभी तक ट्रेन नहीं खुला. फिर इसकी बात थी खुलने की 9 बजे की, तो 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया. और गाइज हम लोग को बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी, तो हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं खाकड़ा. आई थिंक इसको खाकड़ा ही बोलते हैं, आई डोंट नो. अगर मुझसे गलती हो तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में. एंड गाइज यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक ट्रेन नहीं खुली है, अभी 10:50 हो गया, अभी तक हम लोग खाकड़ा ही खा रहे हैं. ट्रेन का हमें भी पता पता नहीं कब खुलेगी. इंजन लगा है एंड 2 बार झटके आए थे इंजन लगने के, और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है जो कि हो रहा है 10:54. देखते हैं 9 बजे से हम लोग बैठे हुए इंतजार में ट्रेन का. मेरी जो गाड़ी है खुल चुकी है, एग्जैक्ट वो खुली है 11:06 में, तो आर्यन की खुशी. हाँ गाइस, खुला अशुभ मत बोलो. तो गाइस हम लोग का जो खाना है वो आ चुका है, अब इन सबको खोलते हैं और देखते हैं क्या है इन सब में. अरे यहाँ पे देख सकते हैं खाने में है पनीर, आलू की जो भुजिया होता है, दाल चावल और रोटी भी है साथ में, क्योंकि मैंने खोली नहीं है. और एक कर्ड भी थी, और कर्ड ना नॉर्मल कर्ड थी, वो मिस्टी दही होती है ना वो नहीं थी. तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को मतलब विदाउट शुगर के कर्ड पसंद नहीं है. बट वो कर्ड इतनी भी कर्ड मतलब खट्टी नहीं थी कि हम नहीं खा पाओ, वो आप ऐसे भी खा सकते हैं. एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आइसक्रीम भी आ चुकी है. मेरा खाना ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, मैं खा ही रही थी कि खाते खाते हमारी आइसक्रीम भी आ गई. एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लड्डू गोपाल को नानी ने बोला आइसक्रीम खिला दो, तो वही उनको आइसक्रीम खिला रहे हैं अभी हम, एंड उन्होंने खा भी लिया. खाना है वो
चुका है एंड जो खाना था बहुत ज़्यादा टेस्टी था और वो भूख भी लगा था इसलिए हमको खाना उनको ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। एंड यहाँ देख सकते हैं दिख रहा था इनको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो भुवनेश्वर आ चुका है और अभी फिर पूरी भी आएगा जिसका टाइमिंग है 6:23 और अभी हो रहा है 5:29। तो अभी हम सब सोकर उठे हैं, नींद किसी की पूरी नहीं हुई है, सब मतलब बीच बीच में उठ उठ जा रहे थे। तो देखते अब स्टेशन आता है तो आपको आपको वहीं पे मिलते हैं। वैसे मामा भी वहाँ पे आ चुके हैं तो जैसा होता आपको दिखाते। तो गाइस पूरी ऑलमोस्ट आने ही वाला है और यहाँ पे देख सकते हैं सब अपना लगेजेस उतार रहा है। आर्यन भी देख लीजिए, हमारा जो लगेज है वो आर्यन उतार रहा है क्योंकि आने ही वाली है पूरी। हम लोग पूरी स्टेशन में पहुँच चुके हैं एंड देखते हैं मामा कहाँ पे हैं, ढूंढते हैं मामा को। एंड फेस बहुत ज़्यादा ही ब्राउन ब्राउन हो गए, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अभी कि बहुत ज़्यादा ही कल से हेरेसमेंट हो गया। कल से मतलब पूरा स्टेशन पे ही हम लोग कल का पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। अब देखते हैं क्या जैसा होता है आपको बताते हैं। तो गाइज अभी हम लोग हैं पूरी स्टेशन में तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मामा भी आ चुके हैं तो हम लोग इसमें बैठ के जाएंगे। एंड ये पूरी स्टेशन है, आई जस्ट रियली लव द रेल, वो पटरी बहुत ज़्यादा मतलब रंग बिरंगी टाइप की है पर अच्छी लग रही है। तो गाइज यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं पूरी एंड द व्यू गाइज हमारे मतलब पूरी की लाइट हाउस से ये व्यू है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है।